गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 10th गॉडमदर इंग्लिश स्कूल। टुडे वी स्टार्ट एस एस सब्जेक्ट चैप्टर 8 नेचुरल रिसोर्सेस। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉइल्स एंड आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस अबाउट सॉइल इरोशन। तो सबसे पहले हम सॉइल इरोशन के बारे में पढ़ चुके थे, मगर उसमें कुछ डेफिनेशन हमको बाकी था, तो उसको हम पहले टिक करेंगे जो क्या क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सॉइल इरोशन का डेफिनेशन यानी क्या होता है। तो सॉइल इरोशन मीन्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लैंड पार्टिकल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद द हेल्प ऑफ मूविंग एयर एंड वाटर। तो ये इसका डेफिनेशन है कि इरोशन दो ही तरीके से हो सकता है, एक तो एयर से और दूसरा वाटर से। और इरोशन का मतलब होता है कि जो ज़मीन के अंदर जितने मिनरल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पे चले जाते हैं, या तो एयर के वजह से या तो वाटर के वजह से। ठीक है, तो इसे इरोशन कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन ये है। ठीक है, और इससे क्या चीज़ हो जाती है, तो देखो ज़्यादातर जो है इरोशन से जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है। यानी जब भी सॉइल इरोशन होता है तो उससे उस एग्रीकल्चर फील्ड की जो है फर्टिलिटी कम हो जाती है, और प्लांट्स और ट्रीज जो है उसमें अच्छी तरह से उग नहीं पाते हैं। ठीक है, तो मेन कारण ये है। उसके बाद हमने पढ़ा था मेजर्स, तो ये भी चीज़ जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो मेज़र्स भी याद रखना ज़रूरी है। कौन से है, तो पहला कभी भी यानी सॉइल इरोशन को अगर रोकना है तो सबसे पहले ग्रेजिंग एक्टिविटी को रोकना पड़ेगा। ठीक है, यानी किसी भी एनिमल को जो है वहाँ पे ग्रेजिंग नहीं करवाना, यानी घास फूस नहीं खाने देना चाहिए। ठीक है, दूसरा वहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा करो। ठीक है, जहाँ पे स्लोपी एरिया हो, जहाँ पे मतलब ज़्यादा ढलान वाला एरिया हो, उस एरिया में क्या करना चाहिए हमको, तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। इसके अलावा बड़े बड़े ट्रीज लगाने चाहिए फैलो लैंड्स में, और आसपास जो है डैम्स बना देने चाहिए जिससे पानी जो है इस सॉइल के जो है पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह ना ले जा सके। और पांचवे पॉइंट में आता है कि हमें कल्टीवेट यानी बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखने चाहिए, जिसके वजह से जो क्या होगा पानी की स्पीड जो है वो कम हो जाएगी। तो ये पाँच पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे तुम्हें अपनी नोट में लिख लेना है। उसके बाद हम बात कर रहे थे सॉइल कन्वर्जेशन में, जिसमें हमने देखा कि सॉइल कन्वर्जेशन से क्या चीज़ होती है। ठीक है, सॉइल कन्वर्जेशन का मतलब होता है सॉइल इरोशन को मैनेज करना, कि किस तरह से हम सॉइल इरोशन को रोक सकते हैं। तो सॉइल इरोशन को पहले तो रोकना है, और उसके अलावा जो लैंड की क्वालिटी है उसे मेंटेन करना है। तो ये दो चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सॉइल पार्टिकल्स को किस तरह से उसी जगह पर रहने दें और उसे दूसरी जगह जाने से रोके। ठीक है, तो दो डायग्राम हमने देखे थे, उसमें पहले डायग्राम में हमने देखा था कि फ्लैट सरफेस था जिसमें पानी की स्पीड जो है बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी, और इसी के वजह से जो है सॉइल पार्टिकल्स जो है एक जगह से दूसरी जगह पे चले गए और वहाँ की फर्टिलिटी कम हो गई। और दूसरे में हमने देखा कि जहाँ पे बड़े बड़े जो है गड्ढे खोद दिए गए थे, जिसके बाद बरसात होने के बाद पानी का फोर्स जो है वो कम हो गया, और गड्ढे में पानी के जाने के वजह से, और उसी के वजह से जो है सॉइल इरोशन कम हो गया, और वही पानी जो गड्ढे में इकट्ठा हुआ था वो प्लांट्स को मिल गया, और यहाँ से हम बोल सकते हैं कि हमने वाटर हार्वेस्टिंग भी कर ली थी। ठीक है, यानी साथ में पानी भी बचा लिया और साथ ही साथ में सॉइल इरोशन से भी रोक दिया इसको। अब हम आज नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं रेमेडीज़। ठीक है, रेमेडीज ऑफ सॉइल इरोशंस। तो रेमेडीज ऑफ सॉइल इरोशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ये पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट आता है द रूट ऑफ द ट्री इन फॉरेस्ट कवर होल्ड ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स। तो देखो फॉरेस्ट एरियाज की बात करें तो उस एरिया में ज़्यादातर सॉइल इरोशन क्यों नहीं होता, और वहाँ पे घने घने पेड़ क्यों होते हैं। तो नॉर्मली देख सकते हैं कि ट्रीज़ जो होती है यानी फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज़ लगे हुए हैं, और उनके रूट जो है ना वो ना ज़मीन के पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं, जिसके वजह से मिट्टी जो है ना एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाती, और उसके पार्टिकल्स वहाँ के वहाँ ही रह जाते हैं। ठीक है, यानी वो फर्टाइल ज़मीन जो है और फर्टाइल ही रह जाती है, और इनफर्टाइल कभी भी नहीं होती। यानी ट्रीज़ के रूट क्या करते हैं, एक तो पानी को भी एब्जॉर्व कर लेते हो, साथ ही साथ में जो है सॉइल के पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। ठीक है, और उसे दूसरी जगह जाने नहीं देते।
तो जितने ज़्यादा ट्रीज़ होंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा देखने को मिलता है। प्लांट ट्रीज़ इन द रिवर जॉर्ज एंड ऑन माउंटेन स्लोप, ठीक है। अगर तुम रिवर के आसपास यानी नदी के आसपास रहते हो या फिर माउंटेन आसपास रहते हो तो उस जगह पे तुमको ट्रीज़ लगाने चाहिए, ठीक है, जिससे तुम्हारे ज़मीन का जो है सॉइल इरोशन ना हो। तो दूसरा पॉइंट ये, तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, द रूट्स ऑफ द ट्रीज़ इन फॉरेस्ट कवर होल्ड ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, यानी जो फॉरेस्ट में ज़्यादातर ट्रीज़ है उनके रूट क्या काम करते हैं, तो सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। दूसरा हमने पढ़ा कि प्लांट्स ट्रीज़ इन द रिवर्स जॉर्ज ऑन माउंटेन स्लोप, ठीक है। तो जितना हो सके पेड़ लगाओ नदी के आसपास और माउंटेन स्लोप के आसपास, अगर तुम्हारी ज़मीन है तो उस जगह पर ज़्यादा ट्रीज़ लगाया करो, जिससे सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है, और हम सॉइल कन्वर्जेशन कर सकेंगे। थर्ड पॉइंट है, सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर ए डेसर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड्स विथ मोर वेलोसिटी, इट्स विल स्टॉप द एडवांसिंग डेसर्ट। तो देखो जहाँ पे कम पेड़ होते हैं वहाँ पे हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलती है और सॉइल इरोजन जैसी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होती है। तो इस चीज़ को अगर रोकना है, जैसे ऐसी सब चीज़ें कहाँ होती है, तो डेजर्ट में, ठीक है, यानी जहाँ पे रेगिस्तान होती है वहाँ पे बहुत तेज़ हवा चलती रहती है, और उस चीज़ को अगर रोकना है तो आसपास जो है तुम्हें ट्रीज़ लगाना पड़ेगा, और एक दो नहीं बहुत सारे ट्रीज़ तुमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते, यूट्यूब में एक वीडियो है जिसमें हमने देखा कि एक इंसान ने जो है लगातार जो है ऐसे जगह पे उसने पेड़ लगाए जहाँ पे कहीं पे भी पेड़ उगने का कोई गुंजाइश नहीं था, ठीक है। उस जगह पे वो रोज़ जो है एक एक प्लांट्स लगाया करता था और रोज़ देखभाल करने से जो है आज वहाँ पे बहुत सारे पेड़ हो चुके हैं, ठीक है, और वो जो सूखी ज़मीन थी वो अब बहुत ही अच्छी हो चुकी है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर हम डेसर्ट एरियाज़ में अगर ट्रीज़ लगाते रहे लगातार, ठीक है, एक एक करके, तो उस जगह पे जो है सॉइल इरोजन जैसी सिचुएशन कम हो जाएगी, और साथ ही साथ में जो विंड का फोर्स होता है जिसके वजह से सॉइल पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं वो भी पूरी तरह से रुक जाएगा, ठीक है, यानी उसका भी हमें ध्यान रखना है। तो ट्रीज़ को रखने का मेन फ़ायदा क्या है, तो वो वेलोसिटी को यानी विंड की वेलोसिटी को कम करती है, उसकी फोर्स को कम करती है, और उसी की वजह से जो है सॉइल इरोजन कम होता है, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा, ए सीरीज ऑफ ट्रीज शुड बी ग्रोन नियर द डेसर्ट रीजन टू प्रिवेंट द विंड विथ मोर वेलोसिटी, ठीक है। तो यानी डेसर्ट एरिया में पेड़ लगाने से, यानी बहुत सारे पेड़ लगाने से क्या होगा कि विंड की वेलोसिटी यानी विंड का फोर्स जो है कम हो जाएगा, और इट्स विल स्टॉप द एडवांसिंग डेसर्ट, ठीक है, तो उसे डेसर्ट बनने से भी बचाएगा साथ साथ में, ठीक है, यानी कुछ ऐसी ज़मीन को डेसर्ट बनने से भी बचाएगा। अगर तुम्हारी ज़मीन एग्रीकल्चर जैसी है, एग्रीकल्चर करने लायक है, तो उस ज़मीन को डेसर्ट बनने से कौन बचा सकता है, तो बहुत सारे ट्री लगाने से हम उस चीज़ को रोक सकते हैं। चौथे नंबर पे आता है, द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स और इन ड्राई रिवर्स बेड। तो इसके अलावा बाढ़ जैसी अगर सिचुएशन आती है तो उसके लिए भी हमको पहले से कुछ ना कुछ तैयारी करके रखनी है। जैसे बाढ़ का पानी अगर आए तो उसे हमको उसकी डायरेक्शन को हमको चेंज करने का कुछ ना कुछ आइडिया निकालना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बड़े बड़े ऐसे गड्ढे कर देंगे जिसकी वजह से पानी का फ्लो जो है ना वो पूरी तरह से बदल जाए, ठीक है, और रिवर का यानी रिवर में अगर फ्लड भी आए तो उसका फ्लो जो है दूसरी जगह पर डाइवर्ट हो जाए और दूसरी नदी पर वो चला जाए, तो ठीक है ना। इस तरह से हमको क्या करना है, पानी की यानी बाढ़ के सिचुएशन के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करके रखना है, जिससे क्या होगा बाढ़ का पानी जो है अपना डायरेक्शन बदल ले और दूसरी दिशा में चला जाए। तो चौथा पॉइंट हमारा क्या है, द रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल बाय डाइवर्टिंग देयर फ्लो इन अदर रिवर्स इन ड्राई रिवर बेड, ठीक है। तो उसका डायरेक्शन यानी जो जिस नदी में बाढ़ आए उसका डायरेक्शन हम किस तरह से बदलेंगे, तो उसके लिए एक रास्ता बना देंगे ऐसी नदी में जहाँ पे बहुत ही कम पानी हो, ठीक है, सूख गई हो नदी, उस जगह पे उसका डायरेक्शन बदल देंगे जिससे फ्लड का वाटर जो है उस नदी में चला जाए। अब लास्ट पॉइंट है, तो लास्ट पॉइंट द अनरेस्ट्रिक्टेड पास्चरिंग लूजिंग द सॉइल लेयर्स ऑन द माउंटेन्स इट शुड बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो यानी क्या करना चाहिए, यानी ऐसी जगह जहाँ पे सॉइल की लेयर बहुत ही ज़्यादा पतली हो उस जगह पे जाना बंद कर देना चाहिए, जिसके वजह से जो है हम उसे बचा सके, ठीक है, यानी ऐसे माउंटेन की ऐसी लेयर पे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे सॉइल की लेयर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, ठीक है, तो उस जगह पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए।
तो सॉइल कंजर्वेशन अगर करना है तो ये सब चीज़ें, ये सब बातों पे ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो हम सॉइल कन्वर्जेशन नहीं कर सकते। तो मेथड ऑफ सॉइल कन्वर्जेशन किस पे डिपेंड है, तो ये सब मेथड पर, ठीक है। तो पहला मैंने बोला था कि फॉरेस्ट एरिया में ज़्यादातर ट्रीज़ जो है उसकी रूट से जो है सॉइल पार्टिकल्स को पकड़ के रखते हैं। दूसरा मैंने ये सब बोला था, अगर नदी और माउंटेन एरिया के आसपास ट्री लगा दिया जाए तो वहाँ पे सॉइल इरोशन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तीसरा कि अगर तुम्हारे पास ज़मीन है तो आसपास जो है ट्रीज़ ये सब चीज़ें लगा दो, नहीं तो क्या हो सकता है कि वो जगह जो है पूरी तरह से डेसर्ट में बदल सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर रोकना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, आसपास बहुत सारी ट्री लगाना पड़ेगा, क्योंकि डेसर्ट रीजन में बहुत ही ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और वो हवा जो है सॉइल पार्टिकल्स को उड़ा के ले जाती है, ठीक है। तो इसकी अगर स्पीड को कम करना है तो हमको बहुत सारे ट्रीज़ को लगाना पड़ेगा। और चौथे पॉइंट में हमने ये पढ़ा कि अगर नदी में बाढ़ आती है तो उसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। तो नदी में अगर बाढ़ आती है तो हमको क्या करना चाहिए, तो उसका फ्लो बदलने की कोशिश करनी चाहिए, और वो पानी जो है कहाँ जानी चाहिए, तो दूसरे कोई नदी में जाना चाहिए जिसके वजह से जो है सॉइल इरोशन ना हो। लास्ट में हमने देखा कि अगर माउंटेन्स एरिया में ज़्यादा ऐसा लेयर हो सॉइल का जो बहुत ही ज़्यादा लूज़ हो, तो उसके बारे में हमें ध्यान रखना चाहिए और उसे बचाने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है। यानी हमारी ज़मीन में अगर मिट्टी की लेयर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है ना, तो उसके बारे में ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, नहीं तो सॉइल इरोशन का ख़तरा सबसे ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये 5 पॉइंट जो है अपने नोट में लिख देना है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मैं डायग्राम दी गए जिसमें हम देख सकते हैं कि सॉइल इरोशन को रोकने के लिए हमने क्या क्या चीज़ें देखी है। तो एक जगह पर टेरेस फार्म देख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पर पानी का हार्वेस्ट भी हो जाता है और साथ ही साथ में जो है यहाँ पे क्या होता है कि पानी का स्पीड कम हो जाता है और पानी जो है ना हार्वेस्ट भी हो जाता है। तो टेरेस फार्म में हम देख सकते हैं, और हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन में भी हम देख सकते हैं, जहाँ पर गड्ढे किए गए हैं जिसमें पानी इकट्ठा होता है। तो ये दो टाइप का जो है हम कर सकते हैं सॉइल इरोशन को बचाने के लिए, यानी दो टाइप के मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं, या तो टेरेस फार्म बना सकते हैं या तो हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है कि सॉइल इरोजेशन जैसी प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो सकती है और हम जो है हमारे एग्रीकल्चर को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है, और वही पानी जो है रीयूज भी कर सकते हैं बारिश के समय पे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, तो वो है मेथड लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्म एक्सेट्रा शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो हमको एग्रीकल्चर अगर करनी है तो ये दो मेथड को इस्तेमाल करना चाहिए, एक तो हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन और दूसरा टेरेस फार्म, ठीक है, ये चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इससे सॉइल कन्वर्जेशन हो सकता है और सॉइल इरोशन जैसी प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं, ठीक है। और हमारी मिट्टी में जो है हमेशा ह्यूमस कंटेन चीज़ें डालनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी बने, यानी उसमें पानी तो होना ही चाहिए, नहीं तो क्या होगा, पानी होना चाहिए और साथ साथ में मिनरल्स होना चाहिए। तो ये चीज़ किस तरह से पॉसिबल हो सकती है, या तो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करके या तो पानी डाल के, तो जिससे सॉइल को जो है मिनरल्स मिलता रहेगा और उसकी फर्टिलिटी जो है वो खोएगी नहीं, ठीक है। और अगर तुम्हारी सॉइल में फर्टिलिटी चली गई तो उसमें ह्यूमस कंटेंट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और उसको ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, और जिसके वजह से सॉइल जो है उसी तरह का, यानी पहले जैसा था उस तरह का धीरे धीरे बनता जाएगा। तो इसमें ज़्यादा ध्यान रखना, बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस रेमेडीज सॉइल कैन बी कंजर्व एंड द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल इज स्ट्रॉन्ग नेसेसिटी टू दी। तो ठीक है, तो ये सब चीज़ें, यानी ये सब उपाय लगाने से क्या होगा, सॉइल बच सकता है और सॉइल इरोशन जैसी प्रॉब्लम ख़त्म हो सकती है, ठीक है। और सॉइल इरोशन, सॉइल को अगर बचाना है तो आज हमको ये सब आइडियाज़ का इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। और सॉइल को बचाना आजकल बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारा इंडिया जैसे कंट्री में जो है ज़्यादातर हमारे लोग जो है, यानी ज़्यादातर परसेंटेज लोग क्या करते हैं, तो एग्रीकल्चर करते हैं, और हमारा इंडिया जो है ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। तो इसके लिए सॉइल इरोशन जैसे प्रॉब्लम से लड़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह किससे होता है, तो एग्रीकल्चर से होता है। तो उसकी बात का ध्यान हमें रखना चाहिए, ठीक है। गवर्नमेंट सोसाइटी एंड द पीपल शुड वर्क ऑल टुगेदर टू फॉर इट कंजर्वेशन। तो देखो, सरकार को, पब्लिक को और आम जनता को, जितने भी लोग हैं, सबको मिलजुल कर जो है कन्वर्जेशन करना चाहिए, यानी सब चीज़ों को बचाना चाहिए।
तो ये इससे ही जो है हमारी सॉइल इरोशन जैसी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा और उसकी फर्टिलिटी हमेशा एक ही जैसी रहेगी और हमको बहुत ही ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन मिलेगा और उसके वजह से बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हमारा हो सकता है। ठीक है, तो हमें ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, और तुम्हें क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, व्हाट इज़ रिसोर्स डिस्क्राइब द यूसेज, उसके आंसर और व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल कन्वर्जेशन और स्टेट द रेमेडी ऑफ सॉइल कन्वर्जेशन के आंसर जो है ढूंढ के अपने नोट में लिख के रखना है। थैंक यू।